डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के एक और मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को मेरे इस मंथ की ग्रोसरी। तो हो गया है महीने का अंत यानी कि 30 तारीख। वैसे तो ये जो मंथ है वो 31 का है यानी कि 31 दिन का है, पर हर महीने के 30 को मेरी ग्रोसरी आ जाती है, तो इस बार भी आ गई है। और आप लोगों को जैसा कि पता है हर महीने मैं मेरी ग्रोसरी दिखाती हूँ, तो इस बार भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आप लोग साथ में शेयर करती हूँ मेरे इस मंथ की ग्रोसरी। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मस्टर्ड ऑयल से यानी कि सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया हुआ है कच्ची रानी का 4 किलोज। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल है, तो ये सोयाबीन का ऑयल है और ये भी है 4 किलोज। इधर पे मैंने लिया हुआ है चाउमीन, इधर पे है 2 किलोज सनलाइट का डिटर्जेंट पाउडर, इधर पे चावल है 5 किलोज। तो हमारे घर में चावल कोई ज्यादा नहीं खाता है तो चावल ओनली 5 किलोज है। इधर पे है विवेल सोप, इधर पे है एक हार्पिक और इधर पे है एक हैंड वॉश। लक्ष्मी पूजा है तो इसलिए मैं बिजी हूँ, तो कुछ लक्ष्मी पूजा के सामान भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है खजूर, ये है 250 ग्राम और ये भी एक पैकेज में आती है। इसके साथ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे है गोविंदो भोग, ये वाले गोविंदो भोग चावल है जिसकी बनेगी खिचड़ी। इधर पे है मटर 1 किलो, इधर पे है विम बार, इधर पे है चना और इधर पे है मसूर की दाल। तो ऑल दिन एक्चुअली फट चुकी है पर कोई दिक्कत नहीं। इधर पे है सूखा मिर्चा, इधर पे है घी, इधर पे है नकुलदाना, तो ये दोनों चीज़ें अभी स्टेज पे जाएगी पूजा के लिए। और इधर पे है जीरा 250 ग्राम कच्चा, इधर पे है तीसी, इधर पे है सौंफ, इधर पे है मेथी और इधर पे है 5 फोरन, इधर पे है हींग और मैंने लिया हुआ है एक फेरन लवली। ओट्स खाते हैं तो ये एक बॉक्स ओट्स का, तो आप लोगों को पता है जो लोग ओट्स खाते होंगे। इधर पे है बाबा वाला पतंजलि का सोप, तो ग्लिसरीन वाला सोप है ये। इधर पे है टाटा लाइट सर जो हम लोग खाते हैं, इधर पे है अरहर की दाल, इधर पे है मूंग की दाल जो जिसकी बनेगी खिचड़ी, इधर पे है रिन पाउडर। तो ये हम लोगों ने लिया हुआ, तो आप लोगों को पता है मैं डिटर्जेंट जो यूज करती हूँ। इधर पे है वेस्ट बंगाल स्पेशल जो आसाम से हमारे से चाय आती है वो, और बंगाल वाली चाय स्पेशल है प्रीमियम काफी स्पेशल वाली टाटा टी की। इधर पे है आम शक्तो, इधर पे है काजू और किशमिश, इधर पे है सूजी और इधर पे पाउडर दूध, एक मैंने अभी कट कर लिया है यूज करने के लिए। और मैं आपको दिखा दूं जो ओट्स होते हैं ना वो कट करने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं, तो जिनको पता है जो लोग खाते हैं, तो ये हम लोग आजकल लंच में ओट्स ही ले रहे हैं, बहुत हैवी फूड नहीं खा रहे हैं। और ये है मोस्टली मेरे इस मंथ की ग्रोसरी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इधर पे है 10 किलोज मैदा, तो ये अभी पैक नहीं है। तो मैदा हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इस बार फेस्टिवल अगर पे गेस्ट आएंगे तो दीपावली है, लक्ष्मी पूजा है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो इसलिए मैदा ज्यादा इस बार लिया है। 10 किलो चीनी, और मैंने आपको बताया ना कि जो पॉलिथीन में फट चुकी है तो दाल इस पे आ गई है, तो ये रही दाल और इस पे है 10 किलो चीनी की। और इस तरह से कुछ दिख रही है मेरी ग्रोसरी जो की है काफी बिखरी हुई, तो मुझे इन सबको सेट करना है। और आप लोगों को पता है मैं मेरी सारी ग्रोसरीज को कहाँ रखती हूँ, और इधर पे है बाबा वाला कोलगेट, शायद मैं दिखाना भूल गई थी, तो ये कोलगेट है और ये है इस मंथ की मेरी ग्रोसरी। अगर आप लोगों को मेरा आज का एक ग्रोसरी का वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियो को ज्यादा से देखें, बेल आइकन को दबाएं अगले नोटिफिकेशन के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर और कल फिर मिलूंगी। और हाँ, कल देखना ब्लॉग कलर परसों का, बहुत स्पेशल ब्लॉग होगा क्योंकि लक्ष्मी पूजा घर पे ही होगी, तो गेस्ट भी आएंगे और इन्जॉय भी करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।